व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और जैसा आप देख सकते हैं, लास्ट एपिसोड में डगन बॉस ने लेसर और ट्रेवर को किडनैप कर लिया था। और डगन बॉस को पता था कि मैं बिग माफिया की हेल्प मांगने आऊँगा ही आऊँगा, इसलिए डगन बॉस ने भाई बिग माफिया पे भी हमला कर दिया और बिग माफिया को भी किडनैप कर लिया। गाइस, मुझे नहीं लगता कि मैं आज बचा पाऊंगा, या फिर भाई कुछ भी सीन हो सकता है। बिल्कुल ही यहाँ पे डगन बॉस ने भाई हर तरफ से जाल बिछा के रखा हुआ है यहाँ पे डगन बॉस ने। गाइस यार, माइकल को यार आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यार जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं इन तीनों को यार फटाफट बचा लूं। यहाँ पर डगन बॉस कुछ खतरनाक सीन करने वाले हैं। अरे भाई साहब, एक गाड़ी से कूद चुका है। ओ भाई, इस ट्री की बम क्यों फेंक रहे, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, यहाँ पे लेस्टर ट्रेवर और बिग माफिया कुछ भी नहीं कर सकते, पीछे आ रहे एमएम करके बैठे हुए। और यहाँ से डगन बॉस भाई निकल चुका है। और गाइस, मुझे तो यहाँ कुछ गलत सीन लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है यार। तुम देख सकते हो भाई साहब, ये क्या हो गया। ओ भाई, बिग माफिया ट्रेवर और लेस्टर को भाई डगन बॉस ने मार दिया। और डगन बॉस यार यहाँ से गोली हो चुका है। गाइस, जैसा आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में यार डगन बॉस ने ट्रैप बिछा के रखा हुआ था, जिसमें ट्रेवर और लेस्टर फंस गए थे। सो अब फटाफट चलते हैं भाई अपना बिग माफिया के पास, क्योंकि यार इस बारे में तो अब हमारी हेल्प बिग माफिया ही कर सकता है। तो देख सकते हो भाई, मेरे पास कोई भी कार नहीं है, मैंने अपनी सारी कार्स यार बैनी को दे रखी, और बैनी ने यार अभी तक मेरी कार्स वगैरह कुछ भी मॉडिफाई करके नहीं दिया। और बैनी मेरे से 10 मिलियन भी मांग रहा था, वो तो मैंने उसको दे दिए थे। और यहाँ पे मुझे एक गाड़ी मिली, निकल जाओ जल्दी से गाड़ी से भाई, बहुत मारूंगा। तो भाई ये कितना ज़्यादा डरपोक है भाई, एक सेकंड में गाड़ी से निकल गया यार। सो गाइस, सबसे पहले तो यार मुझे कुछ गन्स आर्मर वगैरह लेनी होगी, क्योंकि यार ज़्यादातर मुझे लेसर ही देता था। अब तो मेरे पास कुछ भी गन्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यार सबसे पहले यार हमें बैंक जाना होगा, वहाँ से कुछ पैसे वैसे निकलवा के चले गए भाई, गन्स वन्स लेने, फुल एमो वगैरह ले लेंगे। और उसके बाद चले गए अपना यार बिग माफिया के पास। यार बिग माफिया यार इस बारे में कुछ कर सकता है, आज तो मैं यार डगन बॉस को छोड़ने नहीं वाला। गाइस देखते जाओ भाई, उसका भूत बना दूंगा मैं। तो यार ये गाड़ी देख सकते हो भाई, कितनी ज़्यादा गंदी है यार, इससे अच्छी तो यार अपनी कार है भाई, बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है, पता नहीं कितनी खटारा सी कार है यार। गाइस देख सकते हैं, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ATM पे। और यहाँ पे मैं साइड में यार गाड़ी लगा देता हूँ फटाफट से, और अपने बैंक में से यार पैसे वैसे निकाल लेते, क्योंकि यार लास्ट टाइम यार मैंने बैंक से सारे पैसे उड़ा दिए थे। तो चेकआउट कर लेते हो यार, कुछ पैसे बचे भी है या नहीं। तो ये रहा भाई अपना ATM, और मैं चुपचाप से पिन विन डाल देता हूँ। गाइस कोई पिन देख मत लेना, नहीं तो भाई बहुत मारूंगा। तो देख सकते हो भाई, पिन विन डाल दे मेरे बैंक अकाउंट में। भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ $10,000 ही पड़े हैं, लास्ट टाइम मैंने यहाँ से बिलियन रुपये दे दिए थे यार अपने बैनी को। और देख सकते हैं, मैं फ़ोन करके यार माफिया से कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगा ले तो यार माफिया कुछ मुझे सेंड कर देगा। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये कौन से लोग, अबे ये कौन आ गए। ओ भाई, अबे ये कहाँ से आ गए, ये डगन बॉस ने मेरे ऊपर भाई अटैक तो नहीं करवा दिया भाई, ये डगन बॉस ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया। ओ भाई भाई, इन दोनों पे तो भाई गन्स वगैरह बहुत है, और ये मुझे पता नहीं भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। भाई साहब, कितनी तेज़ी से भाई ये कारवर चला के ले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता भाई इन दोनों के पास गन वन है। मैं यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं कर सकता, शायद ये डगन बॉस ने किडनैप किया हो, या फिर डगन बॉस ने कुछ जाल वाल बिछा के रखा हो, या फिर जो मेरे घर पे मुझे वहाँ पे 2 बाउंसर दिख तो रहे थे, शायद वो डगन बॉस ने भेजे। और ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके आ गए। जब मेरी आँखें खुली तो मैंने सामने भाई मिनी मद्राजो को देखा भाई, जो कि यार रेंच लेके आया हुआ है। तो पता नहीं भाई अब ये मिनी मद्राजो क्या करने वाले भाई, बता भी नहीं रहा क्यों किडनैप करके लाए। और यहाँ पे भाई रेंच लेके भाई बहुत ज्यादा ही गुस्से में, मुझे तो लगता है भाई ये मुझे मारने वाला है। ओ भाई साहब, कितनी तेज मारा भाई साहब, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मार रहा है। मुझे याद आ गया, जब लास्ट टाइम भाई हमारे सबसे बड़ी उस बिल्डिंग में पार्टी वार्टी हुई थी, तो वहां पे मैंने भाई प्लेन सेट अटैक करवा दिया था वहां पे, क्योंकि डगन बॉस भी आया था। तो यहाँ पे मिनी मद्राजो को ये लगा कि मैंने अटैक मिनी मद्राजो पे कराया, इसलिए ये मुझे किडनैप करके भाई मुझे मार रहे हैं। और मेरा भाई साहब टॉर्चर भी कर रहे हैं भाई, मेरा दांत वांत भी निकाल रहे हैं। और इसने मुझे बताया कि जो तूने मेरे से पैसे लिए थे वो भी तू लेके भाग गया, और जो तूने मेरी कार छुड़ाई थी वो भी मेरे फादर के मैंशन के बाहर से, उन सब कार्स को भी वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा। और भाई इसने मेरा दांत भी निकाल लिया भाई बड़ी तेजी से। फिर इसको यार गलत फहमी हो चुकी है, मैंने इसे बताया कि यार मैंने नहीं किया, वो सब मैंने डगन बॉस के लिए करा था। भाई ये सुन भी नहीं रहा, इसने मेरा भाई मुंह ढक के भाई इसने मेरे मुंह पे भाई तेल वेल डाल दिया, मुझे धमकी देने लग गया कि अभी के अभी मेरे पैसे करवा, लेस्टर को फोन वोन करके बुला वगैरह वगैरह। भाई साहब, मेरे पैर वगैरह सब कुछ बांध दिया और मुझे चेयर से गिरा दिया। ओ भाई साहब, पता नहीं क्या करने वाला है। ओ भाई, मेरे मुंह पे यार इसने कपड़ा रख दिया और यहाँ पे भाई तेल तेल फैला दिया। भाई साहब, भाई मेरी बिल्कुल
उठने की हालत नहीं है। देख सकते हो भाई कितना ज्यादा भाई यहाँ पे तड़प रहा है माइकल यार। अब नहीं छोड़ोगे भाई मिनी मद्रासो को, कहाँ मेरी दग्गन बॉस से फाइट थी वहां पे लेस्टर और ट्रेवर भाई बहुत ज्यादा मुसीबत में, और यहाँ पे भाई मिनी मद्रासो ने मुझे पकड़ लिया। अब यहाँ पे भाई दो गार्ड वार्ड खड़े हो, इन्होंने बोला अगर यहाँ से तो निकला बहुत मारूंगा। तो यार यहाँ पे शायद एक हैमर और रेंच भी पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं काम करता हूँ चुपचाप से रेंच निकाल लेता हूँ ताकि इनको पता ना चले, और यहाँ से मैं इनको मार देता हूँ भाई। अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, देखते जाओ भाई। अब मैं इनको बताता हूँ कि भाई क्या चीज़ है। हाँ भाई तू फालतू बोलता है, ये ले गंजे तू पिटा और ये ले तू भी पिटा, बजा के दिखा दो। मैं इनकी गाइस गन वन चुरा के भाई यहाँ से भाई सबको मार दो। गन में भाई एमओ भी बहुत कम है, फटाक से मैं रीलोड कर लेता तो हूँ। ये ले भाई साहब तू मुझे मार रहा तो फालतू बोल रहा था ना, मार के दिखा दे। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मिनी मद्रास जो भाई, तूने गलत टाइम पे पंगा ले लिया यार। पता नहीं भाई किस बात की दुश्मनी भाई मिनी मद्रास से। तो ये ले तू भी पिटा भाई साहब, कितने सारे बंदे हैं। ओ भाई भाई गार्ड्स ही गार्ड्स बड़े हो यहाँ पे तो। और ये पता नहीं भाई साहब यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे थे। तो यार फटाक से मुझे यहाँ से निकलना होगा, उससे पहले मैं यहाँ के सारे गार्ड वार्ड को मार देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ आवाज वगैरह आ रही है और यहाँ पे शायद मिनी मद्रासो भी हो सकता है। ये ले तू बेटा, ये ले अच्छा वो जाली के पार है, रुक जा भी बता दो तुझे। ये ले अरे भाई साहब यहाँ पे मिनी मद्रासो ने भाई बीट पाम बना रखा है भाई साहब। अब नहीं छोड़ूंगा भाई, इसका पूरा मेंशन भी जला दूंगा मैं जल्दी ही। तो उससे पहले यार मुझे लेशर और ट्रेवर को बचाना होगा, बाकी मैं मिनी मद्रासो से यार बाद में फाइट कर लूंगा। ये ले तू बेटा भाई साहब यहाँ से वो निकलना नीचे, तुम मुझे फालतू बोल लेते ना, रुक जा भी बता दो तुझे। अभी देख तू बचेगा नहीं मेरे से भाई साहब। ये ले अरे भाई तू क्या शक्ल देख रहा है मेरी, ले भाई साहब तू भी पिटा भाई। देखो गाइस बिल्कुल नहीं डर रहा मेरे से भाई साहब, और यहाँ से भाई निकल गया और ये भाई जाली में फंस गया। पता नहीं यार इसको क्या हो रहा था। तो यार जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई अपने घर की तरफ, और मुझे सबसे पहले यार बिग माफिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। यार बिग माफिया यार कुछ कर सकता है, इस रूम में मैं जाके देख लेता हूँ भाई साहब। ये सब तो भाई कैमरा चेकिंग वगैरह कर रहे। ओ भाई साहब इन्होंने शायद मिनी मद्रासो को बता तो नहीं दिया यार, कुछ भी सीन हो सकता है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भाई मिनी मद्रासो ने भाई सारी मेरी लोकेशंस वगैरह सब कुछ ले रखी है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है भाई साहब। तो यार यहाँ से मैं फटाक से निकलना होगा। तो देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सीक्रेट रूम में भाई मुझे किडनैप किया था भाई साहब। यहाँ पे ये मिनी मद्रासो मुझे मार भी सकता था, बट अब यार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये ले तू बेटा पट से हेडशॉट, ये ले तू बेटा, ये ले भाई साहब, ये ले भैंस की टैट तेरी, ये ले। ओ भाई यार कितने सारे बंदे आ गए भाई, मतलब मिनी मद्रासो ने यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी हुई है गाइस। तो देख तो जो भाई इन सबको नहीं छोड़ूंगा, और सबसे पहले हमें यार बिग माफिया के पास जाना होगा यार। जब तक मैं बिग माफिया के पास जाऊँगा नहीं तो भाई जो डगन बोस है वहाँ पे भाई कुछ भी हरकत कर सकता है भाई, तो गोली से भी तेज मुझे जाना होगा। यहाँ पे तो भाई कुछ कार वार खड़ी है नहीं, और पीछे से भाई बहुत सारे बंदे आ गए मिनी मद्रासो के। तो यार मुझे यहाँ से निकलना होगा, और गाड़ी में जाके सबसे पहले तो यार बिग माफिया से मुलाकात करनी होगी। तो देख सकते हो भाई ऊपर मिनी मद्रासो भी शायद ऊपर ही है, बट मैं यार मिनी मद्रासो से यार बाद में फाइट करूँगा, अभी मैं फाइट करना नहीं चाहता। तो यार मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो यार गाड़ी वाड़ी देखनी होगी, अगर गाड़ी नहीं मिली ना तो वहाँ पे भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है यार। तो सामने मुझे एक घर में एक गाड़ी तो दिख रही है, तो यार वो वाली गाड़ी में फटाक से लेके चलता हूँ भाई अपना बिग माफिया पर। मेरे पास गैस एमओ वैमो भाई बिल्कुल नहीं बची है, एमओ भी मेरे पास बस थोड़ी सी ही है। अब इसी एमओ से भाई मैं फाइट करने जाऊँगा, और ट्रेवर और लेस्टर को भाई बचा के लाऊंगा भाई। अब नहीं छोड़ूंगा मैं डगन बोस को। तो यार चुपचाप से यहाँ पे गाड़ी चुरा ले तो सामने भाई मिनी मद्रासो के लोग भाई मुझे मारे जा रहे हैं भाई साहब। और अब मुझे यार गोली से भी तेज यार बिग माफिया पे जाना होगा। गंजमैन छोड़ो वो मैं यार बिग माफिया से ले लूँ। तो यार यहाँ पे देख सकते हो यार मैं फाइनली यार बिग माफिया के बस मेंशन आ ही गया। तो यार मुझे गोली से भी तेज अब बिग माफिया पे निकलना होगा। यही कई साइड से रास्ता था बिग माफिया के घर का, तो यहाँ इस साइड से था मुझे याद आ गया भाई पतली सी गली से। अब भाई जल्दी से मुझे निकलना पड़ेगा भाई, और डगन बोस ने भाई पता नहीं जाल वाल बिछा के ना रखा हो। तो सबसे पहले भाई बिग माफी से बात करके हम चले गए भाई अपने सीक्रेट बंकर में, वहाँ से हम भाई गन्स वंस ले लेगा। अरे भाई ये भी कितनी बेकार कार है भाई, इसका डिज़ाइन तो भाई बाहर से बहुत ज़्यादा मस्त है, बट भाई गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है भाई बिल्कुल ही बेकार है। तो सामने देख सकते हो भाई वो एक गार्ड मरा हुआ क्यों है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे ये तो यार बिग माफिया का बंदा है पता नहीं, अबे ये क्या हो गया भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार यहाँ पे एक बंदा। ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, वैसे मुझे कुछ बोलती तो है नहीं, नहीं 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 ये बिग माफिया का ही है। अरे भाई वो गलती से लग गई। अरे भाई साहब ये मुझे मार क्यों रहे, अबे यार ये मुझे मार क्यों रहे, बिग माफिया का यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे ये ले तू बेटा, ये ले भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो यार, मुझे बस बिग माफिया के पास जाना है। हद है गाइस देख सकते हो भाई ये बंदे भाई मुझे फालतू में मारने लग गए यार।
और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बिग माफिया मुझे क्यों मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे दगबन बोस ने कुछ जाल बिछा के तो नहीं रखा, पता नहीं यार गाइस कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये ले तू बेटा, ये ले भाई साहब कितने सारे बंदे, ये ले अभी बता दूँ तुझे एक बार मुझे बिग माफिया से मिलना चाहिए फिर भाई किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले तू बेटा पट से हेडशॉट, ये ले भाई साहब मुझे गोली से भी तेजी, अब बिग माफिया के पास जाना होगा और बिग माफिया से यार हेल्प मांगनी होगी और ट्रेवर और लेस्टर को मुझे बचाना होगा। तो देख सकते हो भाई साहब ये ले तू बेटा, अरे भाई आगे कितने सारे बंदे मरे हुए, वो भाई साहब यहाँ पे घर का दरवाजा भी टूटा हुआ है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ था भाई साहब, मैंने आने में भाई बहुत ज़्यादा देरी कर दी। अरे ये रहा भाई ट्रेवर लेस्टर और बिग माफिया, इनको क्या हो गया भाई, इनको किसने मार दिया, ओ भाई यहाँ पे किसने फेंक दिया ये, रुक जा भाई अपने छोड़ूंगा मैं डगन बोस को, रुक जा भाई अब वो पीटा भाई साहब, सबसे पहले भाई इनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। गाइस भाई यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इन तीनों को मार के यार डगन बोस ने इधर फेंक दिया यार, बट ये मरे नहीं, मुझे पता है भाई जिंदा यार, मुझे इनको यार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सो यार मैं फाइनली इनको यार गाड़ी में बिठा चुका हूँ, तो यार मुझे गोली से भी तेज यार हॉस्पिटल जाना होगा यार, इन तीनों को बचाना होगा। भाई साहब मैं तो यार बिग माफिया से हेल्प मांगने आया था और यहाँ पे तो भाई डगन बोस ने यार बिग माफिया लेस्टर और ट्रेवर को पता नहीं भाई कहाँ से गिरा दिया। ओ भाई साहब यार यहाँ पे मुझे लग ही रहा था कि यार डगन बोस ने यार मेरे लिए कुछ जाल वाल बिछा के रखा हुआ है। ओ भाई अब नहीं छोड़ूंगा भाई डगन बोस को, आने दो यार, सबसे पहले यार मुझे ट्रेवर लेस्टर और बिग माफिया को बचाना होगा और यहाँ पे मुझे नियर बाय कोई हॉस्पिटल देखना होगा। यहाँ से मैं यार गाइस लॉस सैंटोस तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि भाई जो लॉस सैंटोस भाई यहाँ से बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे मुझे गाइस पलीटो में एक हॉस्पिटल है भाई, वहाँ पे मेरी बातचीत है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। भाई साहब यार यार डगन बोस ने यार ठीक नहीं करा, अब नहीं छोड़ूंगा मैं डगन बोस, अब देखते जाओ तूने भाई किससे पंगा लिया, तूने माइकल से पंगा लिया भाई, तूने यार तीनों के साथ ऐसा किया भाई। अभी देखा मुझे गोली से भी तेज़ हॉस्पिटल जाना होगा और ये ट्रक की स्पीड देखो भाई कितनी धीमे चल रही है भाई, अब सब साइड हो जाओ भाई मुझे लेके जाने दो। ओ भाई सब सो गाइस मुझे यार आप सबका सपोर्ट चाहिए तो यार सब्सक्राइब कर दे, अब जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा भाई ट्रेवल लेस बिग माफिया ठीक हो जाएगा। सो यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। तो चलते भाई अपना फटाक से भाई अपना हॉस्पिटल, तो भाई मैं गोली से भी तेज़ लेके जा रहा हूँ ज़िगज़ैग हो तो, और यहाँ पे मुझे ट्रक में ना पीछे से भाई लेस्टर की आवाज़ आ रही है कि कुछ पता नहीं अजीब सी आवाज़ आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार लेस्टर को सेट भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहीं पे हम पास में बस आ चुके हैं भाई अपने हॉस्पिटल पे, देख सकते हो भाई हम जल्दी से अपना पलीटो आ चुके हैं, तो यार चलते अपना गोली से भी तेज। तो गाइस हम फाइनली देख सकते हो यार हॉस्पिटल बस पहुँचने ही वाले, तो ये सामने अपने यार हॉस्पिटल आ गया, मैं यार साइड में यार जल्दी से ट्रक लगा देता हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इन तीनों को क्या हो गया यार, मुझे 100% भाई ये तीनों बच जाएगा यार, नहीं तो भाई मैं छोड़ूंगा नहीं यार भाई डगन बोस को, सच्ची बता रहा हूँ घर में घुस के मारूंगा। तो यार डॉक्टर ने भाई उन तीनों की बॉडी को भाई हॉस्पिटल रखवा दिया भाई, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी और डॉक्टर ने मुझे भी बोला कि यार पट्टी वट्टी कर लो, नहीं तो भाई आपको भी कभी भी चक्कर आ सकता है यार। तो मैंने बोला भाई पहले मेरे फ्रेंड्स पहले, तो देख सकते हो भाई साहब, और यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो ट्रेवर और बिग माफिया उनकी बहुत ज़्यादा इंजरी और लेस्टर बचा नहीं है, तो भाई मुझे बहुत गुस्सा, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे फालतू बोला भाई, लेस्टर जिंदा है मुझे पता है यार। तो भाई डॉक्टर ने भाई लेस्टर को पीछे वाली साइड से भाई बाहर फेंक दिया, और ट्रेवर और बिग माफिया के लिए मैंने यार फ्रैंकलिन को फ़ोन कर दिया, फ्रैंकलिन भी बस आते ही होगा। तो सामने देख सकते हो भाई डॉक्टर ने भाई लेस्टर को बाहर फेंक दिया कि भाई हम इसका कुछ नहीं कर सकते यार, मुझे पता है कि मैं लेस्टर को बचा सकता हूँ भाई, जिंदा हो जा भाई लेस्टर। देख सकते हो यार मैंने लेस्टर के भाई छाती में भाई कितना ज़्यादा भाई घूसा मारा, बहुत कुछ करा मैंने यार। तो गाइस एक घंटा हो गया करते करते, तो लेस्टर को यार फाइनली होश आ गया, तो भाई लेस्टर भी मेरे सामने रोने लग गया कि यार फाइन मैं बच कैसे गया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चमत्कार हो गया भाई। और भाई इन दोनों आपस की शक्ल वकल देख रहे हैं भाई, देख सकते हो इन दोनों का प्यार भाई साहब। तो यहाँ पे भाई फाइनली भाई लेस्टर भी उठ चुका है, और लेस्टर ने मुझे बताया डगन बोस का सारा प्लान बताया यहाँ पे माइकल को, और माइकल ने बोला यार सबसे पहले तो भाई लेस्टर देखो मैं तेरे बंकर पे भाई छोड़ देता हूँ, वहीं पे मुझे प्लान वगैरह बता दियो और यहाँ से निकलने के बाद तू जाके भाई सो जाए, पूरी पट्टी वट्टी कर देंगे। सो गाइस देख सकते हो फाइनली यार लेस्टर बच चुका है भाई साहब, और जो ट्रेवर और बिग माफिया वो मुझे फ्रैंकलिन ने कॉल करके बता दिया यार, वो भी अब ठीक ठाक है। तो यार अब मैं डगन बोस को नहीं छोड़ूंगा यार, तो लेस्टर यार सबसे पहले चलते हैं भाई अपने बंकर पे। तो लेस्टर ने मुझे बताया कि उसने एक सीक्रेट बंकर अभी नया बनाया जो कि है बिग माफिया ट्रेवर, और मुझे किसी को नहीं बताया। तो यार लेस्टर अब मुझे लेके जा रहे हैं अपने सीक्रेट बेस में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये लेस्टर मुझे कहाँ लेके आ गया, भाई ये लेस्टर कहाँ लेके आ गया,
तो लेसन ने मुझे बताया कि भाई देखते जा भाई, बहुत खतरनाक बंकर है भाई ये। डगन बोस को भी नहीं पता, नाइक कुछ भी नहीं पता। और उससे पहले भाई डगन बोस ने लेस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी सारे बंकर्स के बारे में। तो ये जो बंकर है भाई ये किसी को भी नहीं पता। तो लेस्टर ने मुझे बोला कि भाई गाड़ी को यहीं पे लगा दे और यहीं से अंदर अपना बंकर जाने का रास्ता। मैंने बोला भाई साहब कितना खतरनाक बंकर है भाई। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं गाड़ी को लगा चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये लेस्टर मुझे कैसी टट्टी से जगह लिया, यहाँ पे तो कोई बंकर वंकर है नहीं यार लेस्टर। और लेस्टर ने मुझे बताया रुक जा भाई, बस तू देखते जा सामने एक बाइक वाइक खड़ी है इस साइड पे, वहाँ से तू बाइक वाइक लेके आ और फिर मैं तेको दिखाता हूँ भाई मैजिक ये कितना खतरनाक बंकर है। तो यार मैं बैठ गया और लेस्टर ने बोला कि भाई सीधा सीधा यहाँ पे डब्बे में घुसा भाई। तो मैंने देखा अरे भाई साहब ये कौन सा बंकर है। ओ भाई अभी तो भाई अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई साहब, ये लेस्टर मुझे कहाँ लेके आ गया। यहाँ पे तो भाई डगन बोस को भी पता नहीं लगने वाला भाई साहब। तो यहाँ पे मुझे लेस्टर ने बोला कि यार मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो यार मैं अपने बेड पे भाई सोने मोने झाड़ू पट्टी वट्टी करने। सो गाइस मुझे आप सबकी मदद चाहिए यार डगन बोस को मारने में। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे भाई उतनी ज्यादा मेरे अंदर पावर आएगी। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में भाई पार्ट 2 स्पैम कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन।